हूँ रमेश बकोत्रा, आप देख रहे हैं रमेश बकोत्रा ब्लॉग से यूट्यूब चैनल। दोस्तों Realme ने अपना न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, Realme 10 Pro Plus 5G। तो दोस्तों ये अब तक का सबसे सस्ता कर्वेट डिस्प्ले फ़ोन है और इसकी प्राइस की बात करें तो 25,000 से लेकर 28,000 इसकी प्राइस है। 25,000 में आपको 6GB 128GB मिलेगी। तो इस फ़ोन का आज हम आपको स्क्रीन टेस्ट दिखाने वाले हैं और सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों 25,000 में कर्वेट डिस्प्ले है। नहीं तो आपको इस तरह की डिस्प्ले चाहिए तो 50,000 के ऊपर जाए तो ये डिस्प्ले मिलेगी और ये Realme ने 25,000 में ये डिस्प्ले दी है। तो दोस्तों 25,000 में आपको अब कर्वेट डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मिलेगा। और इसके स्क्रीन टेस्ट की बात करें तो हमारे पास जो भी 5-6-7 टूल्स है वो सभी टूल्स हम इसके डिस्प्ले पर मारेंगे और देखेंगे कि इसमें स्क्रेसिस पड़ते हैं कि नहीं। और एक खास बात, कई लोगों की ये कमेंट रहती है कि आप इतने टूल्स मारते हैं तो मोबाइल टूटता नहीं और हमारे से गिरा तो टूट गया। तो भाई गिरने पर टूटने का चांस रहता है क्योंकि गिरे तो एक साइड दबाव रहता है तो टूटने का चांस रहता है। तो आइए दोस्तों अभी हम इसका टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे फ़ोन का बॉक्स और फ़ोन को हम बॉक्स में से निकाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा फ़ोन और इस फ़ोन में 3 कलर्स अवेलेबल है, हमने ब्लैक लिया है। और ये रहा हमारा सबसे पहला टूल्स। और ये रहा हमारा दूसरा टूल्स। और ये रहा हमारा तीसरा टूल्स। और हम इसका कैमरा भी टेस्ट कर लेते हैं और इसके बैग में भी टेस्ट कर लेते हैं। तो इसके बैग में भी स्क्रेचेस नहीं आया है और इसके कैमरे के ग्लास में भी स्क्रेचेस नहीं आए हैं। तो अभी हम हमारा टेस्ट कंटिन्यू करते हैं। ये रहा हमारा सबसे डेंजरस टूल। ये रहा हमारा बड़ा वाला हैमर। तो दोस्तों हमारा टेस्ट सक्सेसफुली पूरा हुआ और हम क्लीन कर लेते हैं और देखते हैं। तो पूरी तरह वर्किंग है हमारी डिस्प्ले, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है। तो हमारा टेस्ट सक्सेसफुली पूरा हुआ। तो दोस्तों ये था Realme 10 Pro Plus 5G स्मार्टफोन का स्क्रीन टेस्ट। और दोस्तों ऐसी ट्राई अपने मोबाइल पर अपने घर पर ना करें तो अच्छा है। और अभी इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले, हमारी मेन चैनल रमेश बकोत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारी रमेश बकोत्रा व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करना ना भूले।